Hello everybody, welcome again. Today we are here with our new topic, that is models. Alright, अब models का नाम तो हम सबने generally सुन रखा है, ठीक है? तो जो हमारे पास अलग अलग टाइप के models होते हैं, आज हम उसका usage पढ़ेंगे, ठीक है? उसको किस way में और किस तरीके से use करना है, हम वो study करेंगे. So, let's start. Okay, पहले हम बात करेंगे कि models generally होते क्या हैं. Models are also called helping verbs. Okay, models को हम helping verb भी बोलते हैं. Models are used to express the mood or attitude of a speaker. देखिए, जब भी किसी sentence में model का use हो जाता है, उससे हमें पता चलता है कि बोलने वाले का तरीका कैसा है या बोलने वाले का attitude कैसा है. Alright, उसका mood भी पता चलता है, उसका attitude भी पता चलता है. किससे? आपके model के use होने से. So let's start. ओके तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ मोस्ट कॉमन यूज होने वाले मॉडल्स हैं जैसे कैन आ गया कुड है शेल शुड विल वुड मे माइट मस्ट ऑर टू यूज टू नीड ओके ये हमारे पास कुछ जो मॉडल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं कॉमनली यूज होने वाले मॉडल हैं ठीक है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे ओके All these modals suggest permission, possibility, ability, suggestion, promise, request, wish or prayer extra. देखिए, जो हमने पीछे जितने भी modals देखे अपने, वो क्या show करते हैं? कहीं पे वो permission show कर रहे हैं, ठीक है? कहीं पे वो possibility, मतलब संभावना show कर रहे हैं, कहीं पे वो ability show कर रहे हैं, काबिलियत, ठीक है? कहीं पे वो suggestion show कर रहे हैं? कहीं प्रॉमिस कहीं रिक्वेस्ट तो विश और प्रेयर ठीक है ये कुछ चीजें हैं जो हमारे मॉडल्स क्या करते हैं शो करते हैं ऑलराइट चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं चलिए तो हम नेक्स्ट बात करेंगे यूजेज ऑफ कैन एंड कुड ओके किसके बारे में बात करेंगे यूजेज ऑफ कैन एंड कुड अब देखिए यहां पे सबसे पहले एबिलिटी की बात हो रही है ठीक है एबिलिटी मतलब काबिलियत की बात हो रही है कैन चेंज शोज Present ability and could shows past ability. जो हमारा can है वो present ability को show करेगा और could हमारा past ability को show करेगा. आइए example देखते हैं. She can write English. इसका मतलब यहाँ पे निकलता है वह English लिख सकती है. Okay. तो यहाँ पे जो can है वो किसको show कर रहा है यहाँ पे present ability को show कर रहा है. Second आप देख सकते हैं she could write English. Okay. वह English लिख सकती थी. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा could लगा हुआ है ये हमारा पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है आई होप कि सबको क्लियर हो रहा है चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओके अब हम कुड के बारे में बात करेंगे कुड जो हमारा है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है और पॉसिबिलिटी मतलब संभावना के लिए भी यूज किया जाता है ओके जैसे कुड यू प्लीज डू इट फॉर मी ओके Could you please do it for me? देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है किसी से इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया कुड का यूज किया है विच इज करेक्ट अब आगे देख सकते हैं आप पॉसिबिलिटी की बात हो रही है शी कुड बी हिज वाइफ ओके शी कुड बी हिज वाइफ उसकी वाइफ हो सकती है तो अब यहाँ पे जो कुड है वो यहाँ पे एज अ क्या शो कर रहा है संभावना शो कर रहा है ओके क्या शो कर रहा है संभावना चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे ओके अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैन की ठीक है जो हमारा कैन है वो किस लिए यूज होता है परमिशन गिविंग और जो हमारा क्या है ऑर्डर्स वगैरह इन चीजों के लिए चलिए अब हम कैन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं परमिशन और ऑर्डर ठीक है जब भी हम क्या करते हैं किसी को परमिशन देते हैं ठीक है यहाँ पे ऑर्डर देते हैं तब भी हम क्या करते हैं अपने कैन का यूज करते हैं ओके जैसे कैन आई गो या आप क्या कर रहे हैं किसी से परमिशन मांग रहे हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कैन का यूज किया ओके यू कैन गो नाउ ये हम ऑर्डर दे रहे हैं और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ अपने कैन का यूज किया हुआ है ओके अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑफर जब किसी को ऑफर देंगे तब भी हम क्या करेंगे अपने कैन का यूज करेंगे जैसे कैन आई हेल्प यू मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो हम क्या कर रहे हैं किसी को ये ऑफर कर रहे हैं ओके तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं कैन का यूज करते हैं आई होप कि सबको समझ में आ रहा है चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं अब बात आ रही है हमारे यूजेज ऑफ मे एंड माइट की ठीक है अब हम देखेंगे मे और माइट का यूज कैसे होता है चलिए पहले देखते हैं पॉसिबिलिटी मतलब संभावना ठीक है मे शोज पॉसिबिलिटी एंड माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी मतलब जो आपका मे है वो शो करता है संभावना लेकिन माइट क्या शो करता है कम संभावना ओके जैसे देखिए इट मे रेन ओके इट मे रेन अब देखिए यहां पे क्या है पॉसिबिलिटी आ रही है रेन की इसीलिए हमने क्या किया हुआ है मे लिखा है अगर यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी होती तो हम क्या लिखते माइट लिखते ठीक है पिया सेड दैट शी माइट गो देयर अब यहां पे आप देख सकते हैं माइट लग गया है तो आपको ऐसा लग रहा है यहां पे लेस पॉसिबिलिटी है कि वह वहां पे जाएगी ठीक है
यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी शो हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके अब हम बात करेंगे यहाँ पे मे की, ठीक है, परमिशन। मे भी आपका जो वर्ड है वो भी परमिशन में यूज होता है। जैसे हम जनरली एक लाइन बोलते हैं मे आई कम इन, ओके, वहां पे आप देख सकते हैं हम परमिशन ही मांग रहे होते हैं और उस टाइम पे भी हमारा क्या होता है, मे यूज होता है। विश या फिर किसी प्रेयर में भी क्या होता है, हमारा मे यूज होता है। जैसे आप देख सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, ये जो वर्ड है मे, ये हमारा विश या फिर प्रेयर में भी यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहां पे बात हो रही है यूजेज ऑफ मस्ट की, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे नेसेसिटी की, ठीक है, जरूरी, मतलब जो चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। जैसे यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मस्ट यहां पे क्यों आया है कि यहां पे जरूरी है कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस क्या करनी है, फॉलो करनी ही करनी है, ओके, इसलिए हमने क्या किया यहां पे मस्ट का यूज किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर, ठीक है, यहां पर बात हो रही है ऑर्डर की, जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हो, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, दे मस्ट नॉट प्ले हेयर, ओके, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि वो यहां पे नहीं खेल सकते, यहां पे खेल ही नहीं सकते, तो यहां पे इसलिए मस्ट का यूज किया गया है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे मस्ट के लिए है डिडक्शन, ओके, डिडक्शन मतलब जो चीज आपको पहले से पता हो, ठीक है, देखिए ही हैज अ बिग हाउस, उसका बहुत, उसके पास बहुत बड़ा घर है, ठीक है, ही मस्ट बी रिच, ऑब्वियसली उसके पास बड़ा घर है तो वो क्या होगा, रिच ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पे डिडक्शन आ गई, इसलिए हमने यहाँ पे मस्ट का यूज किया है। आई होप कि सबको अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ शुड, ठीक है, किसका देखेंगे, शुड का यूजेज देखेंगे। उसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो है ड्यूटी, ठीक है, सबसे पहले जो चीज आएगी वो क्या है हमारे पास, ड्यूटी, ठीक है। अब आप सबको पता है जहां पे भी ड्यूटी की बात आती है वहां पे शुड का यूज होता ही होता है, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल है हमारे पास, यू शुड बी प्रेजेंट हेयर, ओके, यू शुड बी प्रेजेंट हेयर, अब देखिए चाहिए ही चाहिए तो इसलिए हमने शुड का यूज यहां पे किया है, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन, कंडीशन का क्या रहता है कि अगर आप ये करेंगे तो ये होगा, ओके, तो वो हमारे पास क्या एक तरह की कंडीशन आ जाती है। जैसे शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस इन योर बिजनेस, अब यहाँ पे जो शुड लगाया गया, हमने यहाँ पे शुड लगाया वो किसकी जगह पे आया, इफ की जगह पे आया, ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस इन योर बिजनेस, ठीक है, तो हमने क्या किया इफ की जगह पे हमने क्या किया शुड का यूज किया है। जब भी हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है तो हम शुड का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, वो सही है एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके अब हम बात करेंगे यूजेज ऑफ शेल एंड विल, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, पर चलिए डिस्कस करते हैं। शेल एंड विल, ठीक है, इन मॉडर्न इंग्लिश विल इज यूज्ड विद आई एंड वी, अब हम सबको पता है कि हम आई और वी के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, जो हमारी आज की इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है, बट लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मस्ट है कि हम शेल का यूज करेंगे आई और वी के साथ। जैसे कि हम बोलते हैं शेल आई गो देयर, कभी भी विल आई गो देयर नहीं होता, हमेशा शेल आई गो देयर ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब शेल की बात करते हैं, ठीक है, शेल इज यूज्ड विद द सेकंड एंड थर्ड पर्सन, अब आपको पता है कि सेकंड और थर्ड पर्सन हमारे पास कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन यू, ठीक है, थर्ड पर्सन ही शी इट, ओके, इस टाइप के। तो देखिए अब जो हमारे सेकंड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, जब भी उनके केस में क्या शो हो रहा है, कमांड शो हो रही है, प्रॉमिस शो हो रहा है, थ्रेट मतलब किसी से डर शो हो रहा है, कंपल्शन मतलब कोई चीज जरूरी है, ऐसी चीजें अगर शो होती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अपने सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग हमेशा क्या करेंगे, शेल का यूज करेंगे, ठीक है, और इन्हीं केसेस में हम विल का यूज करेंगे किस किस के साथ, आई और वी के साथ। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूं, शेल का यूज हम करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जब भी ये वाले केसेस हमारे पास होंगे, ठीक है, लेकिन हम विल का यूज करेंगे आई और वी के साथ इन केसेस में, ओके। चलिए एग्जांपल देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ओके अब हमारे पास एग्जांपल है, यहां पे आप देख सकते हैं यू शेल लीव द रूम एट वंस, अब यहां पे आप देख सकते हैं कमांड शो हो रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया वहां पे, हमने देखा शेल का यूज जो होता है हमारे पास वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है, उसमें एक केस ये भी था कमांड वाला, तो यहां पे कमांड आ चुकी है, तो हमने जो शेल का यूज यहां पे किया है वो बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
आई विल हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन. ओके आई विल हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉमिस आ गया है, ठीक है, किसी से वादा किया गया है. अब मैंने आपको क्या बताया कि आई और वी के साथ हमेशा हम विल लगाते हैं जब भी ऐसे वाले केसेस आते हैं हमारे पास. प्रॉमिस आ गया, कमांड आ गया, थ्रेट आ गया, कंपल्शन आ गया. ओके नेक्स्ट देखते हैं, यू शेल बी हेयर फॉर द मीटिंग. अब देखिए आपको यहाँ पे होना ही होना है मीटिंग के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कंपल्शन आ चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड पर्सन भी आ चुका है और सेकेंड पर्सन के साथ हम क्या करेंगे, हमेशा शेल का यूज करेंगे. ओके आई होप कि सबको अच्छे से क्लियर हो गया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.